नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। साथी न्यूज रूम से हमारे सहयोगी सुमित शर्मा आपके साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कुछ खास खबरों को लेकर सीधे न्यूज रूम से आप तक जानकारी पहुंचाने का काम करेंगे। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की। सबसे पहले बात उज्जैन से मिल रही बड़ी खबर की। 3 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई है, लोगों को घर से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। पुलिसकर्मियों ने जान जोखिम में डालकर परिवार को बचाया है। तस्वीरें आप देखिए इस भीषण आग की, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। आसपास के मकानों में भी आग लगने से बची है, यानी कि राहत भरी बात यही कि समय रहते इस आग पर काबू पा लिया गया, आपसी इलाकों में ये आग नहीं फैल पाई। कोतवाली थाना क्षेत्र के कंठाल चौराहे का ये पूरा मामला है। तस्वीरें आप देखिए उज्जैन की तस्वीरें, किस तरह से हमारे जाबाज पुलिसकर्मी सबसे पहले इस मकान में ऊपर चढ़े और जो परिवार यहां पर मौजूद था उन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया है। इतनी भीषण आग थी, काफी मशक्कत करनी पड़ी दमकल की टीम को भी आग पर काबू पाने में। तस्वीरें आप देखिए, लेकिन पुलिसकर्मी तत्परता दिखाते हुए ऊपर पहुंचे और परिवार की जान बचाई। एक्सक्लूसिव फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, 3 मंजिला मकान में भीषण आग लगी। अचानक से आग धधकी, उसके बाद पुलिसकर्मियों ने सभी लोगों को सुरक्षित घर से बाहर निकाला। आसपास भी मकान ही मौजूद थे और अगर समय रहते काबू नहीं पाया जाता तो एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन समय रहते काबू पा लिया गया जिस वजह से आसपास के मकानों में आग नहीं पहुंच पाई। हालांकि घर में रखा सारा सामान जरूर जलकर राख हो चुका। और अगली खबर बैतूल से है, जहां मिल्क पार्लर में रखे फ्रिज में धमाका हो गया। साची पार्लर में रेफ्रिजरेटर रखा हुआ था जिसमें अचानक से ब्लास्ट हो जाने की वजह से अफरा तफरी का माहौल, धमाके के साथ ही दुकान में भीषण आग धधकी। आग से लाखों का नुकसान हो चुका है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा देते हैं बैतूल की। ये देखिए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, अचानक से ही रेफ्रिजरेटर में ब्लास्ट और उसके बाद पूरी दुकान धुआं धुआं। साची पार्लर की ये तस्वीरें हैं। ब्लास्ट के साथ ही आग ने विकराल रूप ले लिया। जितना भी सामान इस पार्लर में रखा हुआ था वो सब कुछ जलकर नष्ट हो चुका है। राहत भरी बात है कि किसी जनहानि की कोई सूचना नहीं आई है। सुबह सवेरे की घटना, फ्रिज में धमाके की वजह से आसपास भी अफरा तफरी मच गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस ब्लास्ट के हम आपको दिखा रहे हैं। सांची पार्लर में रखा हुआ रेफ्रिजरेटर अचानक से ब्लास्ट हुआ और पूरी दुकान में आग लग गई। आगे बढ़ते हैं भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां आरपीएफ जवान ने महिला की जान बचाई है। चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही थी महिला, लेकिन चढ़ने के दौरान ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच महिला फंस गई। आरक्षक उमा पटेल ने महिला की जान बचाई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, सीसीटीवी फुटेज हम दिखा रहे हैं आपको। इस तरह से चलती ट्रेन में चढ़ने का प्रयास करती है महिला, अचानक से ही ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच फंस जाती है, लेकिन फौरन आरक्षक उमा पटेल वहां पर पहुंचती हैं और इस महिला की जान बचाती है। अक्सर ये कहा जाता है, ये यात्रियों को सलाह भी दी जाती है कि जब ट्रेन रुकी हो तभी उसमें चढ़ने का प्रयास करें, इस तरह से लापरवाही बरतना जान पर भारी पड़ सकता है। अगर आरक्षक वहां पर मौजूद नहीं होती तो एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, हो सकता था कि महिला की जान भी चली जाती, लेकिन फौरन आरक्षक उमा पटेल दौड़कर आती है, महिला की जान बचाती है। भिंड से अगली बड़ी खबर है, जहां रास्ते को बंद किए जाने से ग्रामीण इतने नाराज हो गए कि जमकर हंगामा किया है। नाराज लोगों का प्रदर्शन घंटों चलता रहा, इलाके में तनाव जैसी स्थिति हो गई। मौके पर पुलिस की टीमें पहुंची, 5 थानों का पुलिस बल यहां पर बुलवाना पड़ा। मौके पर पूर्व विधायक और पार्षद भी मौजूद रहे। आम रास्ते को बंद किए जाने से ग्रामीणों में नाराजगी है और इसी के चलते हंगामे की स्थिति देखने को मिली। तस्वीरें आप देखिए, उसके बाद जितने भी लोग यहां पर पाए गए जो हंगामा कर रहे थे, फौरन पुलिस यहां पर पहुंचती है, समझाइश देती है ग्रामीणों को और फिलहाल जो स्थिति है सामान्य बताई जा रही है, लेकिन उससे पहले तनाव की स्थिति जरूर बनी। ग्रामीण काफी नाराज हुए, घंटों हंगामा करते रहे। पूर्व विधायक और पार्षद पहुंचे, उनकी मौजूदगी में भी लोगों को समझाइश दी गई, समस्या सुनी गई, भरोसा दिया गया कि जल्द से जल्द इस मार्ग को बहाल किया जाएगा, लेकिन इतना हंगामा बरपा कि 5 थानों से पुलिस बल मौके पर बुलाना पड़ा, पुलिस ने मोर्चा संभाला। आगे बढ़ते हैं सतना से अगली बड़ी खबर है, जहां महिला का जमकर ड्रामा देखने को मिला है। नाराज महिला को मनाने के लिए परिवार के लोग भी पहुंचे थे। पिता, भाई और पति को देखकर महिला ने हाथापाई शुरू कर दी। महिला ने सभी को पहचानने से सबसे पहले इनकार किया, उसके बाद जमकर मारपीट हुई है।
बभनगवा में किराए का मकान लेकर ये महिला रहती है। अपनी बच्चियों के साथ अलग रह रही थी महिला। पुलिस ने महिला को समझाइश दी, घर भेजा है वापस। सतना रीवा रोड पर परिजात निवास के सामने महिला घंटों ड्रामा करती। वहीं बुरहानपुर में प्राकृतिक आपदा पीड़ित किसानों को सरकार ने राहत दी है। सीएम शिवराज ने सिंगल क्लिक के जरिए किसानों को राशि ट्रांसफर की और 4000 से ज्यादा किसानों को करोड़ों की राशि ट्रांसफर की गई है। 41 करोड़ 85 लाख रुपए की राहत राशि ट्रांसफर हुई है। बता दें, सीएम शिवराज ने नुकसान राशि को बढ़ाने का ऐलान किया और नुकसान राशि को 3 लाख से बढ़ाकर 6 लाख किया गया, जिसके बाद किसानों के चेहरे खिले। सीएम ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ। पिछले 3 सालों में केवल फसलों के नुकसान पर लगभग 4000 करोड़ रुपया हमने किसान के खाते में डाला है। आज हमारे 4261 किसान, जिनमें 3960 केली की फसल वाले हैं और 301 किसान अन्य फसलों में नुकसान वाले हैं, उनके खाते में 41 करोड़ 85 लाख की राशि आज हमने डाली है। राजधानी भोपाल से अगली बड़ी खबर, जहां C20 का समापन आज हो चुका है। C20 के समापन में सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। सेवा भारत के मूल में है, ये सीएम की तरफ से कहा गया। कई बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई। कहा कि दूसरों की सेवा से बड़ा पुण्य कोई नहीं होता है। भारत ने किया है प्राणियों में सद्भावना और विश्व कल्याण का उद्घोष, और साथ ही साथ शिक्षा स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं मुहैया कराना सरकार की जिम्मेदारी है। धर्म कौन सा है, ये जन्म से ही मध्य प्रदेश की धरती में, मैं तो गांव में पैदा हुआ छोटे से, तुलसी बाबा की ये पंक्तियां तुलसीदास जी की, दूसरों की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को कष्ट पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। प्राणियों में सद्भावना हो, ये मंत्र अगर किसी ने दिया है दुनिया को तो वो भारत की धरती ने दिया है, प्राणियों में सद्भावना। और विश्व का कल्याण, हमने कभी नहीं कहा कि केवल भारत का कल्याण, भूखों को कैसे भोजन मिल जाए, सरकारों का काम भी क्या है जी, सरकार की जरूरत ही क्या है, एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए और दूसरे कोई वंचित ना रह जाए, सबको न्याय देने के लिए। जो संसाधन धरती के, उनको सब तक पहुंचाने के लिए, मैं उसके बहुत विवेचन में नहीं जा रहा, लेकिन अगर गरीबों को गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत निःशुल्क अन्न दिया जाता है तो वो ऐसा नहीं है। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्मदिन 4 जुलाई को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा और एक अनुमान के मुताबिक बागेश्वर धाम में भक्त लाखों की संख्या में पहुंच सकते हैं धीरेन्द्र शास्त्री के जन्मदिन के मौके पर। 1 जुलाई से लेकर 5 जुलाई तक यज्ञ का आयोजन भी बागेश्वर धाम में शुरू हो चुका है। भक्तों की सच्ची आस्था और श्रद्धा बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई है और इसी के चलते देश की कई जगहों से उनके भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। वहीं अपने जन्मदिन पर धीरेन्द्र शास्त्री ने भक्तों को हमेशा की तरह साफ संदेश दिया है कि वो सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र चाहते हैं। मैं इसीलिए आए हैं, और दूसरी बात यह है कि ये हमारे सदगुरु हैं, कलयुग के समझ लीजिए, सीधे सीधे ये समझ लीजिए साक्षात अवतार हैं ये, ठीक है, और ये हैं तो समझ लीजिए कि हिंदू राष्ट्र आना निश्चित है, ठीक है। और बालाजी की जब तक 4 तारीख उनका जन्मदिन है, उनका जब तक जन्मदिन मना नहीं लेते हैं, गुरु दक्षिणा नहीं लेते, जब तक उनसे हार्दिक मतलब जब तक उनसे मुलाकात नहीं होगी तब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम बागेश्वर धाम आए हुए हैं और दर्शन करने आए हैं और काफ़ी सारी उम्मीदें हैं बागेश्वर धाम से, और दर्शन भी हुए हैं, बहुत अच्छे दर्शन हमें यहाँ के बहुत अच्छा भी लगा। राजस्थान जयपुर से आए हैं जी। बताइए, महाराज जी का जन्म, महाराज जी का जन्मदिन बहुत जोर जोर से चल रहा है पर उत्साह दिखा जा रहा है लोगों में। हम भी 5 दिन से के लिए यहाँ पे रुकने आए हैं और जिस तरह से आपने तैयारी दिखाई यहाँ पर बहुत अच्छी तैयारी दिख रही है, लोगों में जोश दिख रहा है। कल से तैयारी शुरू है, गुरु दीक्षा दी जाइए, पर लोग आज से ही स्टार्ट हो गए हैं आना। हम कल रात को निकल गए थे जो कि हमारे अंदर भी जोश था महाराज जी से मिलने का, कई बार मिला, हमारी भेंट भी आज उनसे।
खूब उत्साह है। और चूंकि हमारा तो प्रतिदिन हम मानते तिथि के हिसाब से मानते हैं, लेकिन अब अपने लोगों की भावनाओं को यहाँ वहाँ कैसे कर सकते हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा परिवार बागेश्वर परिवार इतना प्यारा है। धन्यवाद। क्या संदेश देंगे भक्तों को? यही देंगे कि बस संकल्प तो एक ही, सनातन वैदिक हिंदू राज। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के कुबेरेश्वर धाम पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी के भाई प्रहलाद मोदी। दरअसल कुबेरेश्वर धाम में गुरु पूर्णिमा के मौके पर आयोजन हो रहा है और इसी आयोजन में कई भक्त कुबेरेश्वर धाम पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में प्रहलाद मोदी भी कुबेरेश्वर धाम पहुंचे। उन्होंने पंडित प्रदीप मिश्रा से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद भी लिया। महाराज श्री अभियान चला रहे हैं रुद्राक्ष का। मैं भगवान भोलेनाथ को प्रार्थना करता हूं कि रुद्राक्ष पूरे विश्व में जाए, जैसे योग पूरे विश्व में गया है वैसे रुद्राक्ष भी जाए, यही मेरी मनोकामना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी के बड़े भाई श्री प्रहलाद जी मोदी यहाँ पर पहुंचे थे और उनसे मिलना हुआ। कुबेरेश्वर धाम का दर्शन करने भी आए थे और उनकी कुछ चर्चाएं थी वो उनको करना थी, जिसके कारणवश वो यहाँ पधारे और अच्छा लगा उनसे मिलकर। सनातन धर्म के लिए जागरूकता देना और एक आनंद का विषय रहा। खबर रीवा से है जहां पर एक आरक्षक ने जहर खा लिया है, जिसके बाद आरक्षक को अस्पताल में एडमिट किया गया जहां पर आरक्षक का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि संजय गांधी अस्पताल चौकी में पदस्थ आरक्षक ने जहर खा लिया था और बताया ये भी जा रहा है कि दो दिन पहले संजय गांधी अस्पताल चौकी में एक व्यक्ति ने आरक्षक पर अजय सिंह के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए चौकी के अंदर मारपीट की थी। इस घटना के बाद आरक्षक ने जहर खाया है। पुलिस हालांकि मामले की जांच कर रही है। अब बात करेंगे टमाटर के टॉर्चर की और लगातार हम देख रहे हैं कि देश प्रदेश में टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं, टमाटर के दाम आसमान छू रहे हैं। कहीं पर 100 रुपए किलो तो कहीं पर 100 रुपए से ज्यादा टमाटर के रेट पहुंच चुके हैं। अब बेंगलुरु राजस्थान से टमाटर आ रहे हैं। महंगी हुई हरी सब्जियों के चलते गृहिणियों की किचन का बजट बिगड़ने लगा है। हरी सब्जियों के दाम भी काफी ज्यादा हो चले हैं। ये पानी से ये धनिया मिर्ची और टमाटर ये खराब हो जाते हैं। कल टमाटर 140 रुपए किलो हाट में बिका। ये पानी से टमाटर आ नहीं रहा, इधर अपने इधर ही नहीं, ये बेंगलोर का आ रहा। चौमू का सुना वहां का भी बंद हो गया, खराब है। मिर्ची धनिया भी कल 125 रुपए किलो थोक में बिकी है वहीं बड़ी मंडी में। लोकल में वही 20 की 100 240 की। 8-15 दिन तो ऐसे ही चलेगा, पानी अभी और गिरा नहीं है, गिरेगा तो और ऊपर नीचे होगा। पूरी तरह से बिगड़ गया किचन का बजट। मतलब देखिए, अब टमाटर को खाने के पहले, सलाद का आइटम है लेकिन खाने का। और आपको बता दें कि एक पूर्व चीनी सैनिक वीज़ा नहीं मिलने से काफ़ी परेशान यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, काफ़ी परेशान वो हो रहे हैं, उनको वीज़ा नहीं मिल पा रहा है। बालाघाट से ये खबर है जहाँ पर बालाघाट में रह रहे एक पूर्व चीनी सैनिक वांग क्यू चीन जाने के लिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि उनको वीज़ा नहीं मिल रहा। सात जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर आने वाले हैं और उनके दौरे पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बुलाया जाता है तो वो जाएंगे भी, नहीं बुलाने पर तो भगवान के घर भी नहीं जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इसके पहले प्रधानमंत्री के छत्तीसगढ़ में दो कार्यक्रम हुए जिनमें उन्हें उनके आने की कोई सूचना नहीं दी गई थी। निमंत्रण देंगे तो जो शासकीय कार्यक्रम है प्रधानमंत्री सूचना आएगी तो प्रधानमंत्री सेवा स्वागत करने भी जाएंगे और कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। लेकिन पिछले समय जब रेल का उद्घाटन हुआ, आपको याद होगा, ये राव घाट वाले में सूचना भी नहीं दिए थे। अभी हरी झंडी दिखाए वंदे भारत, उसमें कौन सा सूचना दिए थे? क्या कोई निमंत्रण नहीं था? तो निमंत्रण भाई ऐसा है, बुलाए
बुलाए तो शैतान के घर भी जाएंगे, ना बुलाए तो भगवान के घर ना जाएं। और अब 25 सेकंड में खबर।